नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपके डिज़ायर हैं, वो सारी चीज़ें आप कोशिश करते हैं कि पूरी हो। ऐसे में हम आपको जो है ये आकांक्षा आप देख सकते हैं लिखा हुआ इंटरनेशनल, इनके पास लेके चलेंगे और इनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे बायर्स हैं, वो जो चाहते हैं, हम उनकी उन सारी चीज़ों को जो है उनको पूरी करें। सर नमन सर, ऐसी जैसे अभी हमने देखा आकांक्षा लिखा हुआ इंटरनेशनल, तो एक मतलब जाता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, हम उनकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करें। ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। ये मेरे फादर ने स्टार्ट करी थी 30 ईयर्स पहले कंपनी। एंड पहले वो अपने पापा के साथ काम करते थे। तब उनके बहुत डिज़ायर्स थे कि वो ग्रो करें एक ऐसी फील्ड में। उन्होंने बचपन से ये देखा था, तो बस उनका सपना सच कर वो सपना सच रहा। और अब जो भी कस्टमर्स जैसे आपके पास आते हैं, तो वो बेसिकली कहाँ कहाँ से आते हैं? हमारे पास कस्टमर्स सब कंट्री से आते हैं। हम मेनली US से काम करते हैं। US, यूरोप, मिडल ईस्टर्न बहुत कस्टमर्स रहते हैं। मेन हमारी मार्केट US की है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, बेसिकली मेटल की अगर बात करें तो डिस्क्राइब करिए जरा ये चीज़ जो है क्या है और इसकी क्या यूनिकनेस। ये सारे एक्सेंट करते हैं। डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, तो सब प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हुए ये दिमाग। आती कहाँ से है डिज़ाइन? डिज़ाइंस मेनली हमारे मेरे पापा काफ़ी करते हैं। बाकी मैं बाहर US में पढ़ा हूँ और वहाँ पे मैं बहुत लोगों के साथ काम कर रहा जो डिज़ाइन फील्ड में थे, तो उनके साथ जुड़ के एक एक टीम बना के काम करते हैं। वो जो टीम है डिज़ाइन वाली, बेसिकली वो किस तरीके से काम करती है? क्या वो डिज़ाइन जो है कस्टमर्स आपको देते हैं कि भाई हमको इस डिज़ाइन का जो है वो चाहिए? बहुत कस्टमर्स हमें प्रेफर करते हैं कि वो अपने डिज़ाइंस हमें दें और हम उन डिज़ाइंस को पहले हम कैड बनाते हैं, उनसे एक अप्रूवल लेते हैं, फिर उनके साथ शेयर करते हैं। कितने दिन का प्रोसेस होता है? नहीं, जब डिज़ाइंस का डिज़ाइन की बात आती है तब तो वो एक दिन में टर्न अराउंड करना पड़ता है, ताकि उसको सैम्पलिंग में लेके जाएँ, उसको आगे बढ़ाएँ काम। और जब आप जो है खुद से डिज़ाइन करते हैं, लगभग कितने ऐसे लोग होंगे जो इसके पीछे लगे हुए हैं, इस सुंदर से चेहरे को जो है इसको एक नया रूप देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर रखते हैं? ये लगती है बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट एक इसमें एक पूरी टीम लगी होती है। अच्छा। एक आइडिया से लेके एक डिज़ाइनर के पास जाता है, उसको एक पूरा कैड करा जाता है, फिर वो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में जाता है। हाँ। अच्छा, अगर बात करें बहुत सारे लोगों की, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मेटल पहचानते हैं, भाई ये जो है वो हमारे घर में चार चांद लगा रही है, सुंदरता जो है बरकरार रख रही है। ऐसे में बाकी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो किस तरीके से हम जो है पहचाने कि ये मेटल जो है ये हमारे लिए सही है और ये नहीं सही? तो हम उन्हीं कस्टमर से काम करते हैं। कस्टमर्स हमारे पास इसलिए आते हैं हमारे बूथ पे कि आकांक्षा हर शो पे नया डिज़ाइन दिखाता है और हमेशा उनके पास कुछ नया होता है दिखाने के लिए। और आकांक्षा पे हम जो है आँख बंद करके भरोसा करके चीज़ों को ले जाते हैं। क्वालिटी और डिज़ाइंस में हम बेस्ट हैं। सबसे आगे रहे हैं और उसी में हम प्राइड लेते हैं। और बाकी चीज़ों पर अगर नज़र डालें तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं सर? ये मैम जो आप टेबल पूछ रहे हैं ये कास्ट ग्लास के लाई जाती है। जैसे कास्ट एल्यूमिनियम का पीस एक मोल्ड बनता है, उसमें फिर एल्यूमिनियम को पिघला के डाला जाता है, वैसे ही इस ग्लास के साथ भी होता है। इस ग्लास का अलग ये है कि इसकी थिकनेस अलग होती है। इसकी यूनिकनेस इसकी थिकनेस है। हाँ जी, इसकी थिकनेस। कलर पे अगर हम बात करें केमिकल पे, तो किस तरीके के जो केमिकल हैं वो यूज़ किए जाते हैं? मैम ये केमिकल्स नहीं है, मोल्ड में बने जाते हैं ये सारे पीस। और अगर कोई क्लाइंट मांगता है कि यू नो कि उसमें कोई कलर्स चाहिए, तो उसके पॉट में कलर का मिक्स करके तब वो कलर्स ला। और अगर क्लाइंट जैसे कुछ डिमांड कर रहा है कि ठीक है भाई ये तो हमको चाहिए और इसमें कुछ हमको और भी एक्स्ट्रा खुद से ऐड करवाने हैं या फिर मॉडर्न टाइप से भी करवाना, तो क्या आप लोग उसका भी जो है वो करते? बिल्कुल, हम मॉडिफिकेशंस कस्टमर भी देता है हमें टिप्स और हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं कि आप ये अपने प्रोडक्ट के लिए बेस्ट करें। एक प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए नहीं, सिर्फ एक फंक्शनैलिटी के लिए भी माना जाता है। जब तक एक प्रोडक्ट फंक्शनल ना हो तब तक वो प्रोडक्ट कामयाब नहीं है। कस्टमाइजेशन पे क्या कहें? कस्टमाइजेशन सब हो सकती है। हम एक जब एक डिज़ाइन आता है हम एक छोटा एक प्रोटोटाइप बना के देते हैं अपने कस्टमर को, एक 3D प्रिंट करके। वो टेक्नोलॉजी हम नहीं लेके आए हैं अपने ऑफिस में, और फिर एक बार अप्रूवल लेते हैं, फिर उसको डिज़ाइन अप्रूव होता है, फिर हम सैम्पलिंग में जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स माने जाते हैं वो कास्टिंग मानी जाती है, कास्ट एल्यूमिनियम। जो यहाँ पे सारे आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ज़्यादातर, वो सारे एल्यूमिनियम के हैं। और ये एक
पहले भट्टी में एल्यूमिनियम को पिघला के फिर उसका एक मोल्ड बना के बनाया था। एक अलग स्टोरी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अगर हम देखें तो वो अपने आप में एक अलग स्टोरी जो है बयां कर रही है, तो इसकी क्या क्या है मतलब कैसे, जैसे इसमें बहुत सारे कलर अगर देखें तो लगे हुए हैं, कहीं पर ऐसा लग रहा है अगर पुराने टाइम पर नज़र डालेंगे कि ये शायद ब्राउन कलर भी लगा हुआ है, ग्रीन भी लगा हुआ है, तो इसको पटीना कहा जाता है। ये फिनिश हम देते हैं कस्टमर्स को जिनको अपने आउटडोर्स के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, ये आउटडोर्स में बहुत अच्छे जाते हैं, आपके लॉन्स में, आपके गार्डन्स में, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बायर्स जो है वो कितना हैप्पी होकर जाते हैं आकांक्षा इंटरनेशनल? बायर्स जब विजिट करते हैं वो यही सोच के करते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नया मिलेगा, तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे नया क्या है, और फिर पूरा बूथ घूमते हैं तो बहुत खुश होते हैं। एक नए का जिक्र करते हैं और यहाँ पर बहुत सारी जो है अगर हम वहाँ पर नज़र डाल रहे हैं तो एक पेंटिंग दिख रही है, जरा उसको डिफाइन करिएगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने मैम बहुत एक छोटे से तीन चार स्टेप्स में दिखाने की कोशिश करी है कि हमारे स्टेप्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर जाके ख़त्म होते हैं। तो जैसे मैं आपको कह रहा था भट्टी में वो मोल्ड एल्यूमिनियम पिघलाया जाता है, तो पहले मैं आपको वो दिखाया जा रहा है, इसको सैंड कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद जब एक प्रोडक्ट सैंड कास्ट हो जाता है, एक उसका शेप ले लेता है, उसके बाद हम उसकी फिनिशिंग पे बढ़ते हैं। फिनिशिंग में आप हमारी प्लेटिंग फिनिशेस, हाँ जी, जो प्लेटिंग फिनिशेस हैं वो आकांक्षा उसके लिए फेमस है। और फिर हम एक प्रोटोटाइपिंग पे आ जाते हैं, डिज़ाइनिंग पे, तो जो कस्टमर्स हमारे साथ काम करते हैं वो हमसे डिज़ाइन मांगते हैं, तो हम उनके लिए डिज़ाइन बना के देते हैं और 3D पीसेस भी बना के देते हैं। फिर फाइनली हमारा एक प्रोडक्ट खड़ा हो जाता है, एंड देन हम एक यू नो कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए कि कैसा उनका प्रोडक्ट एक लाइव एनवायरनमेंट में दिखेगा। हाँ, ये सारी चीज़ें। सर इसकी क्या यूनिकनेस है? ये मैम कॉफ़ी टेबल्स हैं। हाँ। ये वाले यहाँ पे इसके जो स्पाइक्स हैं इसकी स्पेशलिटी ये है। हाँ। इसका डिज़ाइन जो है ये इसके जैसे स्टैंड आउट करता है, ये एक इंस्पिरेशन था एक पहाड़ से जिसके बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ निकल रहे थे, तो वो इंस्पायर होकर हमने इसको। अच्छा सर अगर जर्नी की बात करें या फिर गवर्नमेंट की भी बात करेंगे अभी हम, तो कैसी रही आपकी जर्नी? हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है। ओवर द इयर्स गवर्नमेंट ने हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, MSMEs को, बायर्स के लिए क्या मैसेज? बायर्स को बहुत प्रमोट करा है, बायर्स को बहुत शोज होने लगे हैं अब इंडिया में। जब मैं छोटा था और अब से अब लेके मैंने खुद देखा है उसमें डेवलपमेंट, फेयर्स बढ़ते हैं, बहुत बायर्स को गवर्नमेंट रीच आउट करती है, उनको कोशिश करती है कि उनको इंडिया लेके आएँ और एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। ये जो है ये नमन जी थे हमारे साथ जिन्होंने बताया जिस तरीके से कि एक अलग इनके पास जो प्रोडक्ट है वो अपने में एक अलग स्टोरी बयां कर रही है, फिर चाहे किसी पर भी ध्यान दे लें। और स्टेप्स में भी हमने आपको बताया किस तरीके के जो है वो स्टेप होते हैं, और उसके बाद जो है एक लंबे टाइम के बाद वो उस पर टाइम देते हैं, उनकी पूरी टीम जो है वो उस पर टाइम देती है और उस यूनिकनेस को निकाल कर बाहर लाती है जो कस्टमर जो है उसकी डिमांड करते हैं। और अगर उनकी ये भी डिमांड रहती है कि इसमें और भी हम कुछ अलग जो है मॉडर्न टाइप से भी ऐड करें, तो वो उस पर भी काम करते हैं। इसी के साथ देखते रहिए आप परेशान से।